12 मई 2022, आज की मुरली। मीठे बच्चे इस समय, बूढ़े बच्चे जवान, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न। बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर। क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सर्कमस्टेंस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है तो बाबा राय देंगे, इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे ना। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सुनाते हैं। ये भी जैसे डमरू है, बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य आकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम में ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सतगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सतगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। बाप कहते हैं हाँ, जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अवस्था अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग बल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई जा भी नहीं सकता। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक ही बाप है, वही अच्छी मत देते हैं। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, बाबा कहते नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है भी या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं ना सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखे, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परमपिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तो तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के सम्मुख बैठे यहाँ बैठे, बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे।
बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गायी हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक हैं फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ती है। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे, अपनी प्रजा सहित और कोई प्रजा सहित नहीं आते। बाप कहते हैं वह एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आध, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? मुख से कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, वह तो सबका बाप क्रिएटर है। फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नरसिंह नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तो तीजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सर्कमस्टेंस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है, यह है पढ़ाई। भगवान नुवाज भगवान कहा जाता है निराकार। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे? लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं, तुम फादर कहते हो तो गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी ही स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नरसिंह नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे, पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। समझ तो है ना, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहां से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हूँ ना, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है।
तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से राजाएं मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म है, अनेक गुरु हैं, यह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप ही है। बाप कहते हैं, मैं साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ, आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प पहले मुआफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है, जानते हो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर या फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं, हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो तो तुम पर कलश रखता हूँ, तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिखती हैं। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है, स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी है, अभी भी ऐसे ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भी भक्का अलग ही है। अच्छा फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में, एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते, जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है भविष्य में। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने, तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अभी है नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं, बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सत्युग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी और जानने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है, परंतु ये समझते कोई नहीं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी ना, कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो, यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो, ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है, जितना याद करेंगे तो अंत मते सो गति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है, पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतु होना है, अपुण्य आत्मा बनना है योग बल से। बंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना
होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये कैसे हो सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी नहीं हो सकती। अनादि चक्र कैसे फिरता है सो अब बाप बैठ समझाते हैं, सारा राज बैठ समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े, जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों की चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लागत अर्थात क्या लगाव रखना। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं, वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबके दिल तो खाती ही रहती है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिवाबा तो दाता है ना, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है, तुम बाबा को याद करेंगे जब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट हो अर्थात महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या जो ईश्वर अर्थ समर्पण करते हैं वा कृष्ण समर्पणम करते हैं। दोनों को ही जैसे भिखारी बना दिया है। बाप कहते हैं वह तो दाता है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात से पुरानी दुनिया से किसी भी चीज में लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुक तो कर घर जाना है, इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त पुण्यात्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो, खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।